हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया भाई। देखिए, सभी प्रेम कहानियां बड़ी ही तगड़ी होती हैं, और आजकल तो सत्य प्रेम की कथा है ना, वो बहुत ज्यादा हिट हो रही है। उसके गाने बढ़िया से बढ़िया आ रहे हैं, तो हम सोचे भैया, जब गाने इतने बढ़िया हैं, तो क्यों ना जो गाना गाने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, उन्हीं को बुला लिया जाए। तो स्वागत करते हैं मनमीत जी का सास और बेटिया में। कैसे हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। फिर से आपके दर्शन हो गए। आज दिन बढ़िया जाएगा। आज फिर से मुलाकात होगी। अच्छा, वैसे दिन तो आप तो सभी दर्शकों का दिन बढ़िया बना रहे हैं। कैसे से बढ़िया बढ़िया गाने लेकर आ रहे हैं। बारिश का मौसम है, गुज्जू पटाखा गाना, क्या कहेंगे आप? हमारी तो कोशिश यही रहती है कि वो गाने लेके आए जो सबको, क्या है ना कुछ लाइफ में अप डाउन रहता है हर किसी का, तो अपन ऐसा बिल्कुल म्यूजिक लाते हैं जो सिर्फ अप ही अप करे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए, इसका जो फीडबैक मिल रहा है आपको गुज्जू पटाखा का, वो कैसा फीडबैक मिल रहा है? लोग क्या कह रहे हैं इस गाने के बारे एक्चुअली ये में? लव रोमांटिक पिक्चर है और इसमें बहुत फेस्टिविटी है पिक्चर के अंदर, तो वो हमारे गानों में झलक झलकती है। दोनों गाने, गुज्जू पटाखा सुन सजनी, दोनों ही धूम मचा रहे हैं। और वो जब आप फिल्म देखोगे तो आपको एक एक समझ में आएगा कि ये गाने जो हैं वो कैसे शूट हुए हैं। उतना 70 mm पे बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने गाने शूट किए हैं। और कियारा के ऊपर एक और हमारा गाना है जो आप अभी फिल्म में देखोगे, वो रिलीज बाद में करेंगे, वो सरप्राइज है, जो कियारा का डांस सॉन्ग है, टिपिकल मीत ब्रो स्टाइल। तो ये दो तीन गाने जो हैं, ये सारे इस साल आप देखना, नवरात्रि, गरबा और न्यू ईयर्स पे सब पार्टी में यही गाने बजेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक मतलब पहली बार ऐसी कोई पिक्चर आ रही है जिसमें सभी त्योहार से रिलेटेड गाने आ रहे हैं, वरना एक पिक्चर में एक ही त्योहार का गाना होता है, पर इसमें हमें लगता है कि सभी गाने होंगे। क्यों? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस पिक्चर में ये एक बहुत ही सिंपल सी लव स्टोरी है, और बहुत सालों बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत सालों बाद एक इतनी अच्छी, एक रोमांटिक प्यार भरी फिल्म आ रही है, जिसमें पूरा फैमिली ओरिएंटेड रोमांटिक फिल्म है। जैसे पहले जमाने में फिल्में आया करती थी, प्रेम रोग, या हम आपके हैं कौन, या मैंने प्यार किया, जिसके अंदर फैमिली भी होती थी और एक रोमांटिक स्टोरी भी होती थी। तो ये उस तरह की एक फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अब जो गाने की बात हो रही है, जैसे जैसे गाने आते जा रहे हैं, हिट होते जा रहे हैं, ये बताइए आप लोग क्या मंत्र फूंक के ऐसे गाने लिखते हैं कि वो गाना आते के साथ ही एकदम धमाल कर जाता है? आई थिंक ये हम लोग ना म्यूजिक को बहुत सिंपल रखते हैं। देखिए, जैसे हमारा गाना है, और कुमार हमारे जो राइटर हैं उन्होंने लिखे भी बड़े ऐसे, उनके बोल चढ़ते हैं जुबान पे, तो सिंपल है। जैसे सुन सजनी बाजे डोल, मैं तो नाचूंगा, मुझे घर जाने को ना बोल, मैं तो नाचूंगा। अब इसमें हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो आपने पहले ना कही हो अपने मुंह से ना सुनी हो। ये वो बातें हैं बिल्कुल जो आम 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 जिंदगी में हर इंसान एक दूसरे से बोलता है कि यार आज मेरे को घर जाने को मत बोल, आज तो मेरे को नाचना है। तो वो सिंपल बात जब गाने में आ जाती है कि मुझे घर जाने को ना बोल, मैं तो नाचूंगी, आज गरबा मा झूम झूम नाचूंगी, आज गोल गोल लहर गहर नाचूंगी। तो बात इतनी सिंपल और इतनी इजी है कि नहीं समझ आने वाली कोई बात हम करते ही नहीं कभी। बिल्कुल। और सही बात है, मतलब आम बोलचाल भाषा को गाने में, संगीत में पिरो कर लाना ही एक कला है, और उस मतलब सही बात है, और लोगों को गाने भी बहुत पसंद भी आते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? अब तीसरा तो जो सरप्राइज है वो तो आप नहीं बताएंगे, पर इन दोनों में कौन सा फेवरेट है? देखिए, गुज्जू पटाखा एक ऐसा गाना है जो हर रोज नहीं बनता है। इसमें सबसे पहली बात, जो वर्ड, जो एक हुक आ रहा है गुज्जू पटाखा, ये कभी किसी ने सुना ही नहीं आज तक हिस्ट्री में। कुमार जी पाजी एक नया वर्ड लेके आए हैं। जैसे हम जब एक चिटियां कलाइयां में गाना लेके आए थे कि मण जावे रिक्वेस्टा पाइया वे, अब रिक्वेस्टा पाइया कभी इस हिस्ट्री में आया ही नहीं था वर्ड। तो कुमार हमेशा बिल्कुल ऐसे बोल लेकर आते हैं जो कभी किसी ने सुने ना हो, तो वो बात है इसमें। इसलिए गुज्जू पटाखा मेरे को लगता है कि, और कार्तिक आर्यन ने इस टाइप का गाना कभी नहीं किया। उन्होंने ज्यादा क्लबी, बिल्कुल अपबीट, अर्बन गाने करे हैं। ऐसा एक गाना इन्होंने बहुत टाइम बाद किया, और क्या डांस किया है कार्तिक ने, मतलब क्या निभाया है गाने को। सही बात है। कार्तिक के तो सभी दीवाने हैं, और ऊपर से ऐसा गाना जो उनको नाचने पे मजबूर कर दे, और उनके साथ साथ दर्शकों को नाचने पे मजबूर कर दे, बड़ी बात है। अच्छा, देखिए, मनमीत जी, हरमीत जी भी आगे, स्वागत करते हैं हरमीत जी नमस्कार साधु बेटिया में दोबारा से। बिल्कुल जी। अरे वाह, आजकल तो हम बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, रेगुलर मिल रहे हैं, परिवार जैसे हो गए हैं। और होना भी चाहिए, कैसे हर महीने तो आप गाना लेके आने वाले हैं, और जब महीने महीने गाने आएंगे तो महीने महीने मुलाकात तो होगी ही ना। अरे वाह, आप नाच रही है कि नहीं हमारे गुज्जू पटाखा पे? देखिए, अभी तक तो हम गरबा वाले गाने पे नाचे थे, लेकिन हाँ, सुन सजनी वाले गाने पे नाचे थे। अब हमें लगता है कि गुज्जू पटाखा पर भी नाचना मुमकिन है। अब बनाएंगे वीडियो, एक आध बनाएंगे उस पे भी। अच्छा, आप बताइए हरमी जी, आपको क्या क्या फीडबैक मिल रहा है इस गाने से?
सबसे पहले फीडबैक तो ये आ रहा है कि भाई तुम लोग पंजाबी मुंडे, पंजाब के लड़के हैं, और यहाँ बिल्कुल इतने हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं जो गुजराती हैं, जो म्यूजिक बनाते हैं, और तुम लोगों ने ऐसा ऑथेंटिक गुजराती गाना बनाया है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है पंजाबी मुंडों के लिए। बिल्कुल और दूसरा यही है कि लड़कियों की शादियों के गाने बहुत आते हैं, लेकिन लड़कों के लिए, लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है। बिल्कुल दूल्हे दूल्हे जो होते हैं बेचारे, वो क्या करेंगे, दूल्हे तो क्या है, सेहरा पहन के आ जाते हैं बस। तो उनको भी नाचने का मौका मिलना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने हमारे लिए, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या कि हम लोग शादी के शोज में, हमारा इंडिया में नंबर टॉप 3 में आता है नाम मीत ब्रदर्स का। तो बिल्कुल हमें हमें शादी का गाना बहुत अच्छा दे दिया किशोर अरोरा और शालीन मंत्री और साजिद नाडियाडवाला जी ने। अब हमारे शोज पे दबा के, जब आपकी शादी होगी तो हम तब उसमें भी गाएंगे। देखिए, अब क्या आप हमारी दूसरी शादी करवाएंगे? पहली शादी हो चुकी है, उसी में हम अभी खुश हैं और उसी में हम खूब नाचे भी हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो तो गाने आप धड़ल्ले से लेकर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है शादियों का मौसम तो चल ही रहा है, तो खूब धमाल मच रहा होगा। हर तो शो में मेरे हम गा रहे हैं आजकल, हर शो में हमारी एंट्री इसी से होती है, धूम धूम धड़ाका गुज्जू पटाका, खुद की शादी में हुल्लड़ मचाएंगा, बड़ी बड़ी पे आना, सिस्टम पुराना, तुझे बुलेट पे उड़ा के ले जाऊंगा। आया 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 देखो आया मस्त आया आया हीरो आया रे, तेरे मेरे क्या इसके इसके सबके दिल पे छाया रे। गाना, मतलब वाकई ये गाने इतने सीधे बोल हैं और सीधे बोल वाले ही गाने हमें लगता है ज्यादा चल पाते हैं। कैसे ऊट पटांग जो शब्द होते हैं जिनको लोग ही नहीं समझ पाते हैं, वो गाने नहीं चल पाते हैं। इस बात को आप कितना मानते हैं आप दोनों? हरमीत क्या कह रहे हैं कि ऊट पटांग, फिर से कहेंगे ऊट बेसिकली पटांग? हाँ, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी फिर आधी पंजाबी फिर आधी गुजराती, सभी गानों का ऐसा खिचड़ी पका के गाना लाया जाता है जो हम सुनने में तो मजा आता है, नाच भी लेते हैं, लेकिन उसको याद करने में समय लग जाता है कि नहीं नहीं इसके बाद जे वाली लाइन होगी, नहीं नहीं इसके बाद जे वाली लाइन होगी। लेकिन आपके गानों के जो बोल है एकदम सीधे सपाट होते हैं, एकदम पहली बार में ही जबान पर चढ़ जाते हैं और ऐसे चढ़ते हैं सवेरे लेकर शाम तक वही गाना गाते रहते हैं। क्या कहेंगे इस नए गानों को लेकर? सी क्या है कि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सीधे सिंपल रहे, बट कभी कभी डिमांड आती है पिक्चर की, डायरेक्टर की, स्क्रिप्ट की, और हम लोग क्या है, जनता के सेवक हैं, जनता के हिसाब से पिक्चर बन रही है कि जनता को क्या पसंद आएगा, तो गाने भी वैसे बनते हैं। बिल्कुल तो वैसे तो हम सिंपल लगते हैं, लेकिन कभी कभी यार ऐसा होता है कि आजकल चलती जिंदगी में इंग्लिश हिंदी बन गई है। थैंक यू जो है एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हर आदमी, गाँव का आदमी बोलता है थैंक यू भैया, ऑटो वाला भी बोलता है गुड बाय भैया, तो उतनी बिल्कुल इंग्लिश यूज हो रही है जो हिंदी बन चुकी है। ये एक हम आपको एक रियलाइजेशन कराएंगे, जो कि आप, क्योंकि हम लोग का रोज का काम है, तो ये इंग्लिश जो जो आती है, बेबी डॉल, अब बेबी तो आजकल हर आदमी बोलता है कि अरे मेरे घर पे बेबी हुई है, हमारी बिटिया हुई है, बेबी, छोटी सी बेबी हुई है, तो बेबी सही डॉल, बात है। डॉल हाँ डॉल गाँव का बंदा, जिसको बिल्कुल जिसको अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं आता, डॉल तो उसको लगता है कि तो हिंदी वर्ड है। तो अगर जनता मान रही है तो फिर हम भी मान रहे हैं, वैसा है, हम जनता के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी तो वर्ड है आपके में, लेकिन हिंदी के इतने सीधे शब्द हैं कि इंसान सुनकर समझ जाता है कि अच्छा ये गाने का मतलब क्या है। तो करेक्ट। उसके लिए तो वही आप दोनों का धन्यवाद करना होगा कि इसमें आपने इसमें ऐसा अच्छा कुमार गाना पाजी का चुना। बहुत कुमार जी जो है उनका बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि हम लोग जब साथ में जैमिंग करते हैं तो देखिए किस गाने के बोल कितने आम, सब आम, हर आदमी इसको रिलेट करेगा। सब कहते हैं भूल है, शादी बेफिजूल है, फिर भी मैं तो करने हूं चला, चाहे कोई रोक ले, चाहे मुझे टोक ले, बन के रहूंगा तेरा दूल्हा। इतनी सिंपल बात है। अब इसमें क्या है कि हर हर इंसान गा सकता है इसको। देखिए गाने की बात, ये तो हर इंसान बोलता है, जो भी लड़का होता है वो तो ये बोलता है। आप उसकी बोली को गाने में पिरो कर लाए हैं, बड़ी बात है। वही गाना ऐसा होना चाहिए तो हर किसी के मुंह पे चढ़ जाए, जो रोज की रोजमर्रा की बात बिल्कुल हो। अच्छा चलिए, ये तो आपने कही, लेकिन जो प्रेम कथा के बारे में बात करेंगे, हरमीत और मनमीत आप दोनों से जानना चाहेंगे। देखिए भाइयों की जो प्रेम कहानी होती है वो सभी जानते हैं, बचपन में लड़ते झगड़ते मारते पीटते ना हाँ करते करते जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन साथ हमेशा रहता है उनका। तो आप दोनों की प्रेम कहानी के बारे में जानना चाहेंगे, हरमीत और मनमीत, सबसे ज्यादा इसमें गुस्सैल भाई कौन है? देखिए हमारी प्रेम कहानी कुछ ऐसी है दोनों भाइयों की, कि बचपन में जैसे आपने बोला, हर भाई का, बहुत सही बोला आपने कि झगड़े चलते हैं, सब होता है। जब हमने बड़े हुए तो हमने रियलाइज हुआ कि
भैया पैसा कमाना है साथ में मिलके, और साथ में रहेंगे तो एक और एक 11 हो जाएंगे। तो हमने बहुत मेहनत करी बातें कर करके, हम कभी फ्लाइट में बात करते हैं, कभी कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं बात करते हैं, कि कैसे वो नहीं करना जो दूसरे आदमी को बुरा लगे। उस पर हम बिल्कुल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिम में जाते हो आप, है ना, एक्सरसाइज करते हाँ हो, तो वैसे ही ये रिलेशनशिप की एक्सरसाइज कहते हैं ऐसे हम दोनों भाई। और उस पे जैसे रोज अगर अपनी हेल्थ के लिए काम कर रहे हो तो रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए भी तो काम करना चाहिए। बिल्कुल तो ये है। और शुरू से गुस्सा मेरे में बहुत ज्यादा था, और जब मैंने रियलाइज करा कि आगे बढ़ना है साथ में और बेबी डॉल जैसे गाने बनाने हैं, तो भाई गुस्से सही को बात है दरिया में, और एज लॉन्ग एज मेरी बात सुनी जा रही है। पहले होता था मैं छोटा हूं तो मेरी बात नहीं सुनी जाती थी तो गुस्सा आता था, तो फिर जब मनमीत सही ने मेरी बात बात है को वैल्यू वैल्यू रखना शुरू करा, और मैंने मेरे को रियलाइज कराया कि तेरे में बहुत गुस्सा है, नहीं तो चल नहीं पाएगी, तो फिर मैंने बहुत मेहनत करी, किताबें पढ़ी, बहुत गुरुओं को सुना, तो करते करते अब इस पॉइंट पे आ गया कि मनमीत मेरी सुनता है, मैं उसकी सुनता हूँ। थोड़ा गुस्सा कभी कभी साल में एक बार आ जाता है, ह्यूमन है, बट 99% ऊपर वाले की दया से, आप लोगों की दुआएं हैं। पर इस बात में एक बात मैं कहना अच्छा चाहूंगा सर साधना जी कि दुनिया में हर आदमी कहता है ना कि अरे यार वो तो नेचर है अब उसको छोड़ो ना, ये गलत बिल्कुल बात है। हमारा कर्म ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें, हमारा कर्म ये है कि हम उसको वो उस चीज से बाहर आने में उसकी मदद करें। और लोग कहते हैं बिल्कुल कि यार ये नेचर है, कभी चेंज नहीं हो सकती, ये अरमीत ने बिल्कुल इसको प्रूव करके दिखाया कि ये बिल्कुल झूठ, और ये उन लोगों की कही हुई बातें हैं गलत जिनको मेहनत नहीं करनी, जिनको पेन नहीं सहन करना, जिनको अपने ऊपर काम नहीं करना। हरमीत ने चेंज करके दिखाया 360 डिग्री अपनी पूरी पूरी नेचर को, और रोज अभी भी कर रहा है, रोज काम कर रहा है। तो ये चीजें एक अपने आप में एक बहुत सीखने वाली बातें हैं कि आदमी अगर चाहे तो अपने अंदर के सारे ऐबों पे काम कर सकता है, चाहे वो कैसा भी ऐब। मेरा गुस्सा इतना बिल्कुल तेज बिल्कुल था तो आप कहती कि अरे मीत ब्रदर्स में सिर्फ मनमीत को बुलाओ, हरमीत को मेरे को इंटरव्यू नहीं करना है। अरे बाप रे, नहीं चलो बढ़िया है, अच्छा काम किए हैं। अब तो हम मनमीत जी को भी धन्यवाद कहेंगे, कैसे कई गुरुओं गुरुओं के साथ साथ ये भी एक आपके गुरु है जिन्होंने आपको बताया बिल्कुल, कि भाई अपना ऊपर काम बहुत कीजिए। समझाया इन्होंने, बहुत समझाया, मनमीत ने का बहुत बड़ा क्रेडिट है। अच्छा बदमाश, चलिए गुस्सेल तो पता चल गया, सबसे ज्यादा बचपन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा बदमाश कौन भाई रहा है? वो भी यही है, प्रभाती। अच्छा अभी भी है, अभी भी है। अरे मेरा बचपन तो अभी भी चल रहा है ना। अच्छा, तो ऐसी कौन सी खुराफा, मनमीत जी हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए भाई की पोल भाई खोल सकता है, ऐसी कौन सी खुराफात है जो हरमीत ने हाल ही में की है और जो आप बोले कि अभी भी हो रहा है, अभी भी ऐसी खुराफात करते रहते हैं? मस्तियां करता है एयरपोर्ट पे, जैसे किसी के साथ भी मस्ती चालू कर देगा, इसको मजा आता है कि जैसे होता है ना कि सीरियस फेस बना के मजाक करने वाली बात है, वो ये बहुत करता है आदमी, तो आदमी को लगता पता नहीं चलता कि उसका मजाक बन रहा है साथ साथ। अभी ऐसा रिसेंटली एयरपोर्ट फ्लाइट में हुआ था कि कोई मेरे पीछे बैठा था और मैं मनमीत को एक वीडियो दिखा रहा था, तो उसमें वॉल्यूम शायद उनको पीछे चली गई होगी, तो मेरे पे चिल्लाने लगे बिना वार्निंग दिए या बिना प्यार से बोले कि बेटा बंद कर दो, आवाज तो ये तो चिल्लाने लगे। तो अब मेरे को गुस्सा तो अंदर से आया, लेकिन मुझे मालूम है गुस्सा अच्छी बात नहीं है, बेटा सही कहता है। बात है तो गुस्सा गुस्सा मैंने अपना ना करते हुए मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने ऐसे प्यार से बोला बाऊ। तो वो कह रहे अरे ये इंसान है कौन उनको है। और गुस्सा आ गया, और चिल्लाने लग गया, फिर हम लोग अपना काम करने लगे। हम अपना काम हमने मैंने मैंने चिल्लाया नहीं, देखिए गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं, मस्ती, मैंने मस्ती कर ली। वो मेरे पे बहुत चिल्ला रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, फिर भी अच्छा मैंने बदतमीजी नहीं करी, मैंने सिर्फ प्यार से बहू कर दिया। इनको गुस्सा नहीं, ये मस्ती खोनी तो बढ़िया, वैसे मस्ती रहनी चाहिए, कैसे देखिए जो बचपना जवानी तक रहेगा बुढ़ापे तक रहेगा इंसान खुलकर जी पाता है जब बचपना रहता है, सही कही कि नहीं? बिल्कुल सही कही, जी बहुत अच्छा सही वैसे कही देखिए आपने। मन्नी जी, देखिए मन्नी जी आप बड़े भाई हैं ठीक है, और हरमी छोटे भाई, हमने ज्यादातर देखा है जो छोटा भाई होता है ना वो अपने दोस्त नहीं बनाता है, बचपन से ही भाई के पिछलग्गू बन बन के भाई के पीछे पीछे भाई के दोस्त हमारे दोस्त, तो इससे बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है कि भैया जी हमारे पीछे पीछे काहे के मारे आ रहे हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है बचपन से लेकर स्कूल में कॉलेजेस में कि आपको बहुत गुस्सा आता होगा ये हरमीत मेरे पीछे पीछे क्यों आता है? ये एक्चुअली भाई भाई पर फर्क पड़ता है। हम लोग का क्या था कि हम सेम स्कूल गए, हमारा बोर्डिंग स्कूल सेम था, सिंधिया स्कूल, हाँ हम सेम जयाजी हाउस में थे, दोनों एक ही हाउस में थे, फिर हम लोग कॉलेज हमने सेम किया, सिडनम कॉलेज आए, तो 1 साल का फर्क था। वैसे उम्र में 2 साल का फर्क है, लेकिन पढ़ाई में 1 साल का फर्क था, क्योंकि 5th क्लास मैंने रिपीट करी थी दोबारा, स्कूल चेंज हुआ था तो रिपीट करा अच्छा दी थी, तो इसलिए हमारा जब 1 साल का फर्क होता है तो हमारे दोस्त शुरू से ही सेम थे, तो हम लोग शुरू से ही दोस्तों की तरह रहे हैं,
सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये जो हमारी पुरानी सिखाई चीजें हैं कि बड़ा है बड़े की इज्जत करो, बड़ा है बड़े, अरे भाई इज्जत चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इज्जत तो दोनों की करनी पड़ेगी और बराबर की। बिल्कुल ये सिर्फ बिल्कुल उम्र से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि आदमी इज्जत देने लायक है कि नहीं। ये कर्म, सही आपने बात क्या कंट्रीब्यूट किया, आपने इंसानियत क्या दिखाई, आप बड़े हैं तो आपने वो कौन सा काम किया जो दूसरे इंसान को लगा हाँ ये काम इसने अच्छा किया और मेरे को ही सीखना चाहिए। आप अपने कर्मों से और काम से बड़े होते हो, अपनी उम्र से बड़े नहीं होते। और ये चीज का एहसास हम दोनों को था और हरमीत ने भी मेरे को बहुत रियलाइज कराया। तो जब आप दोनों दो लोग एक जब एक और ये मियाँ बीवी के बीच में भी होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में पुरानी प्रथा बिल्कुल चलती आ रही है कि आप बीवी को समझते हो कि वो आपसे नीचे है या आप उसको ऑर्डर करते हो, ये बहुत गलत बात है। औरत का जो जो औरत का दर्जा क्यों है इस दुनिया में, क्योंकि जो आजकल तो काबिलियत है ज्यादा वो औरत ऊपर है, एक आजकल काबिलियत जो तो औरत में होती है आदमी में उसमें आधी भी काबिलियत नहीं है। फैक्ट तो ये है कि बाहर जाके अच्छा बिजनेस करने के अलावा आदमी हर जगह फेल है। औरत बिजनेस में आती है तो वो भी बढ़िया करती है और घर पे तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल है ही। आखिरी अपने अपना घर छोड़ के आना, अपना पूरे परिवार को छोड़ के आना, एक नए परिवार को अपना बना लेना, अरे कौन सा दुनिया का मर्द ये कर सकता है मुझे बताओ। तो ये सारी बिल्कुल चीजें हम बिल्कुल लोग सोचते हैं इस बारे में, ये चीजें सोचने लायक हैं। और इन चीजों से आपको अपने आसपास के लोगों को इक्वल ट्रीट करना है, चाहे वो आपके सर्वेंट से क्यों ना हो। बिल्कुल सही कही। देखिए इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, सीधी सी बात है। क्यों है हरमी जी, बिल्कुल, आप तो बड़े खुश हो गए, इतनी तारीफ हो रही है औरतों की आज। और बड़ी कहे बढ़िया। कि हमारे खुश नहीं होंगे, स्माइल तो बड़ी होनी चाहिए भाई, हमारी प्रजाति बोला जाएगा, उनकी तारीफ हो रही है। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी इतना बढ़िया गाना लेकर आए हैं हम, तो देखिए चाहेंगे कि प्रेम कथा, प्रेमी प्रेमिका के गाने खूब आए, भाई बहन के गाने खूब आए हैं, और पति पत्नी के भी गाने सब जो आ ही गए है ना, अब भाइयों का भी एक गाना आना चाहिए, और हमें लगता है वो आप ही दो मिलकर लगते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, इसी पे काम करेंगे अब हम। अभी है आपने ना, बोल दिया है तो बिल्कुल, अब हम लोग एक गाना बनाएंगे और अगली बार आप ही के लिए आपको गाएंगे, आपके अगले इंटरव्यू में गा देंगे। बिल्कुल। फिलहाल तो अभी जाने से पहले मनमीत जी, जब आप हरमीत को देखते हैं तो हरमीत के लिए आपके दिमाग में सबसे पहला गाना कौन सा आता है, वो गा के बताइएगा। हरमीत को देखते सबसे पहला वाला गाना, आजकल तो एक्चुअली जो मस्ती है ना वो हरमीत को देख के आती है। धूम धूम धड़ाका गुच्छू पटाका, खुद की शादी में हुल्लड़ मचाएगा, घोड़ी वोड़ी पे आना, सिस्टम पुराना, उसे गुल्लट पे उड़ा के ले जाएगा। अगर ये सही हरमीत बात, शादी एकदम गाना फिट बैठा है। हरमीत की शादी हो रही होती तो ये गाना मैं गाता हरमीत की होने वाली के लिए। बिल्कुल। अच्छा हरमीत आपके लिए भी यही सवाल है, कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिमाग में आ रहा है मनमीत के लिए? कौन सा गाना मनमीत के लिए हाँ गाता मैं? तेरे जैसा भाई कहाँ, कहाँ ऐसा यारा ना, याद करेगी दुनिया, मीत ब्रोस तेरा मेरा भाईचारा। का। वाकई देखिए आप दोनों साथ में रहते थे, बढ़िया बढ़िया गाने लेकर आ रहे हैं। हम तो यही उम्मीद करें कि ऐसी हर महीने छोड़िए, हम तो चाहते कि हर हफ्ते एक गाना आप ऐसा रिलीज कीजिए जो सभी के दिलों में छा जाए, और आपके तो सारे गाने सबको पसंद आते हैं, तो तैयारी है अगली वापस से नया गाना लाने की एक और। अरे सभी के दिनों के लिए बहुत बढ़िया वाली तैयारी करके आ रहे हैं। अभी ड्रीम गर्ल आने वाली है हमारी आयुष्मान खुराना जी की, उसमें बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया जोरदार गाने लेके आ रहे मत, हैं, यूपी यूपी स्टाइल अरे वाह तो बढ़िया, वो तो हमारे फेवरेट रहने वाले हैं। क्यों चलिए एकदम। बढ़िया, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, उम्मीद करते हैं फिर से जैसे ही नया गाना आएगा फिर से मुलाकात करेंगे। ठीक है ओके जी, थैंक यू साधना जी, बहुत बढ़िया। और आपके ऑलराइट, जितने भी दर्शक हैं सबको मीत ब्रोस का बहुत बहुत प्यार। एमबी म्यूजिक पे जाके हमारा म्यूजिक सुने, बहुत सारा म्यूजिक आ रहा है आप लोगों के लिए। जी हाँ, यूट्यूब पे एमबी म्यूजिक बिल्कुल चैनल है हमारा, और सत्य प्रेम रिलीज हो रही है 29 जून को, जाके कल थिएटर में देखिएगा और सीटी मारिएगा, और हमारे गानों पे हमें याद, हमें हमें इंस्टाग्राम पे बिल्कुल जरूर, हाँ आप अपने फैंस को बोलिए हमें इंस्टाग्राम पे जरूर बताएं कैसा लगे गाने, और जिस जिस जि जो भी हमें वीडियो भेजेगा थिएटर से उसके साथ हम एक वीडियो कॉल करेंगे जो हमें इंस्टाग्राम पे टैग करेगा। हाँ जिसका बेस्ट अरे वीडियो होगा, वाह, कंपटीशन कर रहे हैं आपके थ्रू। अरे वाह बहुत बढ़िया, फिर तो पक्का आपके फोन बजने वाले हैं और आपको समझ ही नहीं आएगा किसका फोन उठाएं और किसका ना उठाएं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मुलाकात करेंगे। जी, जय श्री और कृष्ण। बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे देखिए मीनू मौसी तो रोज आती हैं, और खबरों के लिए देखते रहिए सास बहू और बेटिया।
है।